100 कोकोनट ड्रिंकिंग चैलेंज। गुड़गांव नाम के गांव में कपिल नाम का एक आदमी नारियल की दुकान चलाता था। वो बहुत लालची था, पूरा सामान गांव में वहीं लेकर फिर ज्यादा दाम में बेचता था। एक दिन बबीता नाम की एक औरत अपने बेटे लक्की को लेकर दुकान पर आई। फिर कपिल से बबीता, क्या कपिल भैया, मन में आए वैसे एक एक नारियल पर 10-15 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो? पड़ोसी गांव से मेरे पति ने मुझसे बोला। कपिल, तुम्हारा पति ने बोला? तुम्हारा पति या तो दारू पिया होगा या रास्ते पे कोई बेकार सड़ा हुआ नारियल पिया होगा, रेट तो कुछ कम नहीं है। बबीता, इस गांव में किसी और की दुकान नहीं है, इसीलिए ऐसे कर रहे हो ना, चलने दो, देखते हैं कब तक ऐसे धोखा देते हो, यूं बोली। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कपिल के पास ठीक से लोग नहीं आने से वो अपना टारगेट छोटे बच्चों को बनाया। इससे कपिल 100 कोकोनट ड्रिंकिंग चैलेंज नाम का प्रतियोगिता रखा। सारे बच्चों को बुलाकर अपने चैलेंज के बारे में बताया। अब सारे बच्चे उसकी दुकान आते ही उनसे कपिल, आ गए बच्चों, आपके लिए ही इतना बढ़िया चैलेंज का आयोजन किया हूँ। एक एक नारियल सिर्फ आपके लिए 2 रुपए में ही दूंगा। मामूली रूप में एक नारियल जानते हो कितना है? 50 रुपए है। लेकिन फिर भी आपको 2 रुपए के हिसाब से 100 नारियल पीने होंगे, वरना एक नारियल के लिए आपको 100 रुपए घर से लाना होगा। बोलो मंजूर है कि नहीं? वही नहीं, ये चैलेंज में जीतने वालों को प्राइज मनी 20,000 दूंगा। आओ बच्चों आओ, देर मत करो, एक एक आकर 100 नारियल 2-2 रुपए में ही पी लो, एंजॉय करो। यूं कहा वो सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाए। लेकिन वहाँ मौजूद लकी, फ्रेंड्स ये अंकल की बात मत सुनो, ये अच्छा नहीं है, तुमसे पैसे निकालने के लिए ये सब कर रहा है। यूं कहा कपिल, देखा ये पागल की बातें, ये प्रतियोगिता में जीत नहीं सकता है इसलिए ऐसा सब कहानी सुना रहा है। ऊपर से उसके घर पर उसकी माँ 1 रुपए भी नहीं देगी पीने के लिए, तुम्हारे जैसे तो नहीं है ना। यूं कहा तो सारे बच्चे उसकी बातों पर ताली बजाए। फिर कुछ बच्चे आगे आकर, हम पियेंगे हम पियेंगे, यूं कहे। फिर एक एक को कपिल नारियल दिया, लेकिन वो एक नारियल पीते ही पेट भर कर फिर अगले दिन घर से चोरी छिपे 100 रुपए लाकर कपिल को देते जा रहे थे। इस तरह कुछ दिनों तक बच्चों से चोरी छिपे एक नारियल के 100 रुपए बोलने पर भी बिकते जा रहे थे। एक दिन ध्रुवा नाम का लड़का अपने घर पर कपिल को देने के लिए पैसे चुराने की कोशिश किया। ये देखकर उसके मामा बद्री उससे ये सब की जानकारी लिए। इससे ध्रुवा कपिल की प्रतियोगिता के बारे में बताने से बद्री आकर कपिल को चैलेंज के बारे में पूछा। तब कपिल, देखो शर्त तो मेरा है, दाम है तो खेलो, वरना किसी और को लाओ, वरना तुम मुंह बंद करके जाओ, जो भी है 100 रुपए तो लगेंगे ही। यूं कहा तो बद्री गुस्से से उसका एक दोस्त है जो बहुत मोटा है बंटी, उसे इस नारियल के चैलेंज के लिए बुलाया। बंटी आवेश से आया, वो भी 25 नारियल पीकर पेट भर कर और नहीं पी सका। तब बद्री एक एक नारियल के 100 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए कपिल को देकर चले गया। ऐसे कपिल का धोखा दिन ब दिन बढ़ने लगा। इससे अच्छे से सोचकर बद्री एक दिन उस गांव में रहने वाला एक बड़े से बैल को लाकर गांव वालों से मिलकर कपिल की दुकान पर लेकर आया। अब कपिल से बद्री, अरे कपिल हमारा भीम खेलेगा रे तुम्हारा नारियल पानी का चैलेंज, 100 नारियल का चैलेंज, पूरे नारियल को काट कर पानी बकेट में भर लो, ये पी लेगा। यूं कहा तब कपिल, क्यों रे मेरे साथ कामड़ी कर रहे हो, बैल को लाकर मुकाबला करने के लिए कह रहे हो? तब बद्री, देखो तुम जो बच्चे ठीक से ग्लास में पानी तक नहीं पी सकते हैं, उनसे मुकाबला करा सकते हो, चोरी भी करवाए, अब हमारा भीम से मुकाबला नहीं किया तो सारे गांव वाले यहीं पर हैं, ऊपर से जानवर भाग नहीं ले सकता, ऐसा कोई रूल तो नहीं रखा है ना तुमने, सब मिलकर तुम्हें खूब मारेंगे, मना किया तो। यूं कहा तो सारे लोग मिलकर, हाँ मारेंगे इसे, खूब मारेंगे इसे, कूद कूद कर मारेंगे, यूं पुकारने लगे। इससे डरकर कपिल कुछ नहीं कर सका तो सारे नारियल तोड़कर बकेट में पानी डाला। भीम उसे बहुत आसानी से पी गया, वो देखकर सारे लोग ताली बजाए।
फिर बद्री को कपिल 20,000 देकर हाथ जोड़कर फिर चैलेंज को हटा दिया। फिर उस दिन से नारियल भी रीजनेबल दाम पर बेचना शुरू किया। फिशरमैन एंड जेंट फिश। समंदर के किनारे मछली बस्ती नाम का एक गांव था। वहां रहने वाले मछुआरे समंदर से मछली पकड़कर उन्हें बेचकर गुजारा करते थे। नागेश नाम का एक बूढ़ा मछुआरा भी अपने तीनों बेटे के साथ वहां रहता था। बड़े लड़के का नाम था रमेश, मझले का नाम था महेश और सबसे छोटे का नाम था ब्रह्मेश। हर रोज रमेश और महेश नागेश के साथ मछली पकड़ने जाते थे, पर ब्रह्मेश घर पर ही रहता था। एक दिन ब्रह्मेश, बापू हर रोज तुम इन दोनों को मछली पकड़ने ले जाते हो, मैं आना चाहता हूँ पर मुझे आप मना कर देते हो। क्यों? मैं कोई भी काम करना चाहूँ तो रहने दो, छोड़ दो कहकर मेरा जी छोटा कर देते हो पिताजी। तुम्हें अकल नहीं है इसीलिए ऐसा करते हैं। तुम्हारा शरीर बड़ा है पर अकल नहीं बड़ी। मछली पकड़ने के लिए काफी चतुर होना चाहिए। सिर्फ जाल फेंकने से मछली नहीं फंसता, जाल कब और कहाँ डालना है ये जानना भी जरूरी है। तुम वो सब नहीं समझोगे। परसों बैंक में 10,000 डालकर आना कहा था तो तुमने क्या किया? तुम बैंक में गए, 10,000 फेंक कर आ गए। इससे पहले आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हुए फिल इन कैपिटल्स लिखा था तो तुमने पूछा नहीं था कि कैपिटल तो अपना दिल्ली है तो वहाँ जाकर भरना होगा क्या? अरे तुम ऐसे आदमी हो जो पूछता है कि मैसूर पाक में मैसूर कहाँ है। अरे मजे से खाओ और घर में बैठकर पड़ोस के बच्चों के साथ खेलो, तुम इन सब झंझट में ना पड़ो। भैया मैं ये सब नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागल हूँ। जरूरत पड़ने पर जो समझदारी दिखाए वही असली समझदार है। एक बार नागेश, एक क्या है बेटा, हमें सिर्फ छोटी मछलियाँ ही मिल रही हैं, बड़ी नहीं, पता नहीं क्यों। हाँ बापू, छोटे मछलियों के कम पैसे ही मिलते हैं ना, वही बड़ी मछली फंसी तो बहुत पैसे मिलेंगे। बहुत कोशिश किया तब भी बड़ी मछली नहीं फंसती। ऐसा ही रहा तो मछली पकड़ना छोड़कर कोई और काम ढूंढना होगा। तब ब्रह्मेश, अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो एक दिन मुझे मौका दें, मैं जाकर बड़ी मछली पकड़ कर लाता हूँ, मना मत करना। ये सुनकर तीनों जोर से हंसने लगे। तब उनकी माँ, ऐसे क्यों हंस रहे हो, अगर वो एक बार कोशिश करे तो इसमें क्या नुकसान है, बेटा तुम जाकर प्रयत्न करो। यूं मछली पकड़ने गया ब्रह्मेश। शाम को अपने कंधे पर एक बड़ी मछली को डालकर लाया। ये देख घर में सब हैरान हुए। क्यों, कहीं से चुरा कर लाए हो क्या, या फिर मरकर किनारे लगी मछली को उठा लाए? पर अगले दिन भी ब्रह्मेश एक बड़ी मछली को कंधे पर डालकर लाया। ये क्या सच है या सपना, जो मछली हमारे जाल में नहीं फंसी वो तुम्हारे जाल में कैसे फंस रही है? ये जरूर कोई जादू कर रहा है या फिर किसी और के पकड़े मछली को खरीद कर यहाँ ला रहा है। ये मछली मैंने खुद पकड़ा है, इन्हें कैसे पकड़ना है मैं दिखाता हूँ, कल आप सब मेरे साथ चलो। ये सुनकर वे सब हैरान हो गए। अगले दिन नाव में सब समुन्द्र में गए। वहां एक कांटा निकालकर, मैं बचपन से ही जानता था कि आप तीनों को अकल नहीं है, पर इसलिए कुछ नहीं कहता था कि आप बुरा मान जाएंगे। ए ज्यादा बकवास कर रहे हो, पहले ये दिखाओ कि बड़ी मछली कैसे पकड़ते हैं। कूल ब्रदर कूल, आप लोगों के दिमाग छोटे हैं तो आप लोगों का सोच भी छोटा है, इसीलिए छोटे छोटे कीड़े कांटों में फंसा कर पानी में फेंकते हो। छोटे कीड़े खाने के लिए छोटी मछली नहीं तो क्या बड़ी मछली आएंगी? इसीलिए मैं बड़ी मछली को कांटे में फंसाकर पानी में डालता हूँ, छोटी मछली उसे खा नहीं सकती तो वो नजदीक भी नहीं आते, तब बड़ी मछली आकर उसमें फंसते हैं। ऐसे कहकर कांटे को बाहर निकाला, उस कांटे में एक बड़ी मछली फंसी हुई थी। ये देख तीनों चौंक गए। हमें माफ कर दो बेटा, हमने इतने दिन तुम्हारा हौसला ना बढ़ाकर तुम्हारा अपमान किया। हम जान गए कि हौसला बढ़ाने से कोई भी आगे बढ़ सकता है, आज से हम सब मिलकर मछली पकड़ेंगे। ऐसा कहा, तब से वे चारों मिलकर मछली पकड़कर खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।